बनारस किसान बनारसी पान इन दिनों से बनारसी नहीं बल्कि सब पर भारी पड़ रही है। पान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के कारण लगातार लोग माउथ कैंसर के शिकार हो रहे हैं। पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू अस्पताल में रोजाना ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक आईएमएस बीएचयू के डेंटल डिपार्टमेंट में हर दिन माउथ कैंसर के 5 से 8 मरीज इलाज के लिए पहुँच रहे हैं। इसमें से कुछ को तम्बाकू के कारण तो कुछ को पान के कारण माउथ कैंसर की समस्या हो रही है। अखिलेश सिंह ने बताया कि पान में सुपारी के कारण लगातार लोग माउथ कैंसर के शिकार हो रहे हैं। सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि पूर्वांचल में इनकी अच्छी खासी संख्या है जो माउथ कैंसर की समस्या से पीड़ित हैं। पान में इस्तेमाल होने वाले सुपारी और तंबाकू के कारण मुंह के अंदर की चमड़ी छिल जाती है जो बाद में माउथ कैंसर बनकर सामने आती है। वहीं कुछ लोगों में सुपारी के कारण मुँह ठीक से नहीं खुलने की समस्या भी आती है जो माउथ कैंसर का कारक बनता है। पान तो एक कस्टम है हमारे देश में। पान खाना बहुत शुभ माना गया है पूजा पाठ में और अच्छे अवसरों पे। लेकिन पान में कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो नुकसान करते हैं, जैसे कि सुपारी है और तंबाकू है, जो ये मुख्य कंटेंट हैं जो हमारी मुंह की चमड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं और धीरे धीरे उसमें कैंसर बनने के कारक पाए गए हैं। तो मुख्य कैंसर के मुख्य कारकों में इस समय अगर देखा जाए तो तंबाकू और सुपारी दो चीज़ें हैं जो मुख्य कैंसर कराती हैं। तंबाकू का रिलेशन है क्योंकि उसमें 40 से 50 कंटेंट ऐसे पाए गए हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, और सुपारी में एक एरिकोलिन कंपाउंड होता है जो कि मुंह में फाइब्रोसिस कराता है, और जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है जिस कंडीशन में मुंह का कम खुलता है, धीरे धीरे मरीज का मुंह कम खुलना बंद हो जाता है और वो फिर आगे कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुछ बीमारियाँ हैं जो हमें ओपीडी में रेगुलर देखने को मिलती हैं। डेली अगर देखा जाए तो 4 से 5 पेशेंट सबम्यूकस फाइब्रोसिस के ओपीडी में आते हैं। और मुख्य कैंसर इस समय पूर्वांचल में वाराणसी पूरा हब है, जहाँ पे टाटा कैंसर संस्थान खुलने की वजह से कैंसर मरीजों की बाढ़ आ गई है आसपास के जिलों से और आसपास के राज्यों से। तो हमारे पास 8 से 10 पेशेंट कैंसर के भी ओपीडी में रोजाना इस तरह से आते हैं जिनको तंबाकू से या सुपारी के इस्तेमाल से कैंसर हुआ।